दोस्तों कैसे आप लोग। मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ श्लेष अलंकार और भी मानवीकरण अलंकार, श्लेष अलंकार और आपका रहेगा उपमा अलंकार और एक है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ये जो चार अलंकार हैं यही आपके बोर्ड में आ रहे हैं और इन्हीं का ज़्यादा स्कोप है दोस्तों। तो बिना टाइम को गवाए हुए हम अलंकार, तो आप जानते होंगे शब्द अर्थ होता है, तो आपको शब्द अलंकार में से आपका श्लेष अलंकार आ रहा है, बाकी तीन जो आपके आ रहे हैं अर्थ अलंकार से आ रहे हैं। तो सबसे पहले शब्द श्लेष का अर्थ अलंकार की बात करते हैं, तो जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हुए हों अर्थात वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमत पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उपरे, मोती मानु चूने। यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं, कांति, आत्मान और जल, अतः यहाँ पर क्या है आपके श्लेष अलंकार है। दूसरा है आपका उपमा अलंकार, जहाँ समान धर्म के आधार पर जहाँ किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा के चार भेद होते हैं, उपमेय जिस वस्तु की उपमा या समानता दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मैंने मान लिया उसका मुख चंद्रमा के समान है, इस वाक्य में मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई, अतः मुख क्या है उपमेय। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे की जाए वो उपमान। मुख जैसे जिसमें उपमेय की समानता तुलना की जाए, जैसे मुख की समानता की चंद्रमा से की गई, चंद्रमा क्या है उपमान। मुख जो है आपका क्या है, ये उपमेय है जिससे की जा रही उपमान, और साधारण धर्म मतलब सुंदरता के लिए की जा रही है इसलिए क्या है आपका ये साधारण धर्म है, और वाचक शब्द जिनके द्वारा की जा रही है, जैसे हमारा है सी, सम, समान, सदृश, ये सारे शब्द जरूर आते हैं। ये सब शब्द इसके अलावा सी, सम, समान, सदृश ये शब्द हों तो आपको इनको अब इनको मतलब पहचानने में आपको आसानी होगी। अब इनके तीन भेद होते हैं जो कि आपको बताए गए हैं। अब यहाँ पे हरिपद कोमल कमल से, तो से शब्द आया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये आपका क्या हो गया उपमा अलंकार हो गया। जैसे यहाँ पे सी शब्द आया, इसमें देखिए सी शब्द आया है, और लास्ट आपका है ये, इसमें भी कई टाइप्स के होते हैं मलोपमा। एक चीज अब मैं आपको बता दिया गया कि उपमा के तीन भेद होते हैं, पूर्णोपमा जहाँ पर उपमा के चारों अंग विद्यमान हो, जैसे हरिपद कोमल कमल से। लुप्तोपमा क्या होता है, लुप्त उपमा होता है जहाँ पर उपमा के एक या अनेक अंगों का अभाव हो, मतलब वहाँ पे लुप्त हो, तो क्या होता है लुप्तोपमा होता है लुप्तोपमा। अब आगे मतलब जैसे पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाघ। अब मलोपमा होता है जहाँ किसी कथन में एक ही उपमेय के अनेक उपमान हो, एक ही उपमेय के अनेक उपमान हो, जैसे चंद्रमा सा कांतिमय, मृदुल कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ, प्राणेश्वरी का मुख रहा। तो मतलब एक ही आपके उपमा के मतलब एक ही उपमेय के अलग अलग उपमान हो, मतलब एक ही वस्तु की तुलना अलग अलग वस्तु से जब की जाए तो वहाँ पे क्या होता है मलोपमा होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अतिशयोक्ति, जिसको हाइपरबोला इंग्लिश में बोलते हैं, और इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग अतिशयोक्ति बोलते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग गया। हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल जाने का वो किया जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, अतः यहाँ पे क्या है मतलब अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आगे हुआ मानवीयकरण अलंकार है, जब प्राकृतिक वस्तु जैसे पेड़ पौधे बादल आदि मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव जीवों में सजीव होना दर्शाया जाए, मतलब किसी निर्जीव जीव को हम सजीव मान लें तो नॉन लिविंग को हम लिविंग पॉइंट मान के, हम वहाँ पे क्या होता है मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, अब फूल को यहाँ पे मानवीयता जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में दिया गया है कि फूल हंसे इस कलियाँ मुस्कुरा रही, जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने और मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य कर सकते हैं प्राकृतिक चीजें नहीं, तो ये सारी चीजें आपका क्या होती हैं यहाँ पे एक फूल की कलियों को एक मानव का रूप दिया गया है, तो यहाँ पे मानवीयकरण अलंकार है। तो दोस्तों ये रहा आपका अलंकार का कुछ पॉइंट्स जिसमें हम लोगों ने अलंकार को देखा और इसमें समझा, और यही आपके पॉइंट्स हैं जो आपको आने वाले हैं, तो इसमें आपको एक एक एग्जांपल और इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो मिलते हैं अगले टाइप के वीडियो में और एक नए चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।